सुंदर है, इसका व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी लीव्स है और यहाँ का फार्म बहुत सुंदर है। यहाँ का रूम जो है वो रहने के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत ठंड है, सुबह सुबह पूरा फॉग हो जाता है। इसका खाना भी बहुत टेस्टी है और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत ओके पर शेप बहुत टेस्टी होता है। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज यहाँ पे शेरगांव फार्म स्टे है ये जो, तो हम लोग शेरगांव फार्म स्टे पे आपको वेलनट एप्पल, उसके बाद आपको ये ऑर्गेनिक कैबेज लोग देखने मिलेंगे, उसके बाद ये कीवी और नाशपाती प्लम। ये हार्वेस्टिंग हम लोग का अगस्त को होता है, उसको प्लकिंग अगस्त को करते हैं और प्लम का जो आपका जुलाई को करता है। तो अभी यहाँ में बहुत कुछ देखने के लिए चीज़ है, जैसे कि टर्की देखने के चीज़ है, उसको यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करने के लिए जगह है, बहुत अच्छा जगह है ये जगह जो। तो हमारे यहाँ पे फार्म स्टे पे बहुत लोग ये सब चीज़ ही देखने के लिए आते हैं। उसके बाद कहीं जाना है, जिधर जाना है, अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आप लोग को आइडिया नहीं है, तो हम गाइड कर ले जाते हैं वो लोग को। तो यहाँ पे देखने का चीज़ आपका है, आपका ये छेलीपम गोम्पा झरना का, उसके बाद ये तालुंग गोम्पा, ये लाजला गोम्पा, बुद्धा स्टेच्यू, उसके बाद झरना, और आपका यहाँ पे सबसे प्लेस है, प्लेस अच्छा है कि ये फार्म स्टे पे की यहाँ पे आपका वो होता है, आपका ये क्या आपका होता है यहाँ पे कि माइंड फ्रेशनेस, माइंड बहुत फ्रेश होता है यहाँ में आकर बैठने से। और यहाँ पे जो चीज़ आप लोग को जो माइंड फ्रेश लेकर जो आनंद हवा का लेना है, जो चीज़ आप लोग को देखने के लिए चीज़ है, यहाँ पे बोन फायरिंग होता है और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने का चीज़ आप लोग जो आप लोग देख सकेगा यहाँ पे। तो उसका बाद आप लोग को अगर कुछ भी देखने के लिए चीज़ हो, जहाँ में भी कुछ भी करना चीज़ हो, तो आप लोग को गाइड चाहिए तो ऑलवेज हम रेडी, हम करता भी है। और एक्चुअली ये जो मेरा फार्म स्टे मतलब हम यहाँ पे गाइड करते हैं, मेरा फार्म असली में है मेरे दीदी का है, सांगेला मधुबन का ये फार्म स्टे जो, और वही वो सब कुछ शो करते हैं, लेकिन हम मेरे दीदी उसका नाते से हम ये पूरा देखभाल कर रहे हैं थोड़ा। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ भी है यहाँ पे लोकल वाइन भी मिलता है आपको, कीवी वाइन और कुछ भी वाइन जो भी है लोकल वाइन यहाँ सब मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे एडवर्टाइज में है कि यहाँ पे टर्की का एक भी यहाँ से सेल होता है, लगभग बहुत सेल हो चुका है, और लोकल एग सब भी सेल होता है यहाँ पे। तो आज हम आपको इसका सिनारा दिखाऊंगा, कुछ टूरिस्ट वाला आकर बैठे तो वो लोग को भी दिखाऊंगा आप लोग को अच्छे से अच्छे जगह, अच्छे से अच्छा प्लेस, आज शायद हम उन लोगों को गाइड लेकर जा भी सकते हैं, तो वो भी आप लोग को हम दिखाएंगे अच्छा से अच्छा चीज़ हम आप लोग को वो प्राप्त करेंगे। तो मेरा कहने का इतना ही था, उसके लिए मैं अभी आप लोग का उसके लिए मैं अभी आप लोग को जो दिखाने के बाद में फिर से मैं आऊँगा, फिर आप लोग को वो लोग नज़ारा के बारे में बताएगा कि आज हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। नमस्ते। ये हम लोग का जेंगबू गोम्पा है और ये जेंगबू गोम्पा को ही हम लोग एक अच्छा सूप मानते हैं। कहीं में भी जाएगा, जिधर में भी जाएगा, हम लोग ये जेंगबू गोम्पा का ही आशीर्वाद लेकर हम लोग जाते हैं। और जहाँ में भी हम लोग कुछ इंटरव्यू देने जाएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाएगा, तो हम लोग यहाँ जेंगबू गोम्पा में जाकर हम लोग कुछ दीप जला कर वहाँ से जेंगबू गोम्पा का वहाँ से आशीर्वाद लेकर हम लोग जाते हैं, कुछ सही और सही सक्सेसफुल होने के लिए।
और ये हम लोग कहीं में भी जाओ, कुछ भी कर या कुछ भी करो प्रभु, हम लोग एक बार भगवान का नाम हमारे सिर्फ बुजुर्गों का नाम लेकर ही हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ भी काम करने से पहले। और हम लोग हर समय में इस कोम्पा सिर्फ बुजुर्गों को ही मानता है और हम लोग उसके काम को ही लेकर ही हम लोग चलते हैं। तो इसी तरह बात करने में समझ गया, हमारे टूरिस्ट जो गुवाहाटी से आए हुए थे वो टूरिस्ट को लेकर मैं हमारे जेंगू गोम्पा में लेकर गए और वो लोग को दीप जलाने दिया है। और वो जो वो लोग जो घरों से विशेष मांग सकते हैं वो हमने बोला है, वो लोग उसका वो दीप जलाया है और हमारे उसका नाम से उससे थोड़ा आशीर्वाद लिए हैं। और हमारे गोम्पा में जेंगू गोम्पा इतना सुंदर इतना अच्छा जगह है, जो हमारे जब भी वहाँ जाएगा कुछ भी दुख हो, अगर कुछ भी दुख होगा या कुछ टेंशन वहाँ जाएगा तो माइंड फ्री फ्रेशनेस होता है, फ्री ये प्योरीफाई वाला से बनाया होगा, प्योर प्योर धूप से, इसमें केमिकल मिक्स नहीं होता है। जिम्बू गोम्पा को हम लोग प्रे करते हैं और हम लोग कुछ विशेष मांगते हैं वहाँ से। और हम लोग कुछ भी काम करने से पहले कहीं भी जाने से पहले ही हम लोग इस गोम्पा का नाम लेकर ही जाते हैं। जाएगा तो हमारे गोम्पा का नाम से ही सिर्फ वेंगू चौचोंग बोलकर हम लोग नाम लेकर इसका आशीर्वाद ही लेकर हम लोग जहाँ तक चलते हैं। और इसके टूर पे उसके उससे ज़्यादा हम कुछ भी इतना जितना इंफॉर्मेशन हम इस गोम्पा का तरफ से मिलेंगे मैं आप लोग को हर समय में इंफॉर्मेशन देगा। और दोस्त लोग लाइक और शेयर देना कभी भी नहीं भूलना प्लीज़, दिए हमको साथ दो आप लोग, आपको जितना साथ देगा हम उतना आगे तौर पर लेकर आप लोग को हम और से और ज़्यादा हम ये जेंगू गोम्पा के बारे में हम सुनाने के लिए कोशिश करेंगे। और हो सकेगा तो हमारे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा शेयर और लाइक कर देना, नहीं है उससे ज़्यादा तो मैं। और हम ये टूरिस्ट वाला को लेकर अगर जितना भी मेरा होम सरगाँव होम स्टे पे सॉरी सरगाँव फार्म स्टे पे जितना भी आया था सब लोग को हम जितना भी हो सके हम इस जेंगू गोम्पा पर हम लेकर जाते हैं। उसके बाद और ये है हमारे ये जोंगटुक जहाँ पे और ये देखिए सर फ्राम स्टेशन। अभी सर देखिए फोटो वोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा हो गया सर, देखिए सर फिल्म जैसे कि टर्की का अंडा जो सेल होते हैं आप 60 रुपीज में इसको सेल करते हैं हमारे टर्की को टर्की का अंडा को। और ये है झरना जहाँ ये छलीपम ने पहुँचने से पहले ये झरना मिलते हैं, ये बहुत ही झरना है नेचुरल झरना है, ये हम छोटा से देखा जितना अभी तक बड़ा उतना ही दिखाई दे झरना। और ये है हमारे लाइक और शेयर कर दीजिए जो